फ्रेंड, आज हम जानते हैं एक कंप्रेसर का टर्मिनल कैसा चेक करते हैं। चलो पहले कंप्रेसर को अच्छा तरह देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम डिटेल्स करेंगे। मैं कंप्रेसर का साइड में लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, ये टर्मिनल है, 1 2 3 टर्मिनल है। जो टर्मिनल का पास हमको देखना है कि कैसे हम उसको चेक करें, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। तो उसका एक फार्मूला होता है जो आप लोग को मैं बताता हूँ, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा ये है। मैं आपको डिटेल्स उसके बारे में सब बताता हूँ ताकि आपको समझ ना आ जाए। चलो अभी मैंने आपको पहले डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद वो बताऊँगा, फिर आपको पूरा डिटेल से समझ आ जाए इस पर कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा ये है। चलो अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इधर डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, फिर आपको समझ देता हूँ। चलिए, उसका जो कंप्रेसर का पॉइंट रहता है वो जनरली इस टाइप का रहता है, बराबर इस टाइप का जनरली रहता है। उस पर क्या रहता है, कोई भी रखो, ये ए पकड़ो, ये बी पकड़ो, ये सी, एग्जाम्पल ये एक्स पी, एग्जाम्पल ये ए और बी सी। इस पे से क्या करना है आपको, मीटर से कोई भी पॉइंट पहले ये कुछ चेक करना रहता है। अगर ये इस पे से अपना 10 आया और ये और इस पे अगर आया 5 आया और ये अगर आया 6 आया, तो आपने कुछ जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आएगा बड़ा, वो दोनों का बीच में हमको रनिंग और स्टार्टिंग। और ये सबसे 10 आया सबसे ज़्यादा, तो ये होता है रनिंग और स्टार्टिंग में ये दोनों से है। तो इस पे से कौन सा रनिंग और कौन सा स्टार्टिंग, जब हम कॉमन दूसरा पॉइंट के साथ चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो उसका फार्मूला ये होता है, जो जब से सबसे ज़्यादा पॉइंट आने वाला ही रनिंग और स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, जो दोनों पॉइंट का सबसे ज़्यादा आता है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट का सबसे ज़्यादा आया तो वो रनिंग और स्टार्टिंग का हो गया। और उसका दूसरा पॉइंट के साथ, ये सब बी पॉइंट के साथ, ए के साथ चेक किया 6 आया, और ए का साथ तो सी को चेक किया तो हमारा 5 आया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया, ये और ये, ये और ये और ये। तो ये जो कॉर्नर हो गया हमारा स्टार्टिंग कॉर्नर हो गया, क्योंकि इससे इधर भी ज़्यादा आया, इधर भी ज़्यादा आया इससे। तो ये हो गया स्टार्टिंग कॉर्नर हो गया, दूसरा साइड रनिंग कॉमन हो, ये टर्मिनल हो गया, और तीसरा साइड हो गया कॉमन है। अभी आपको समझ में आएगा, सबसे ज़्यादा वाला जो है वो रनिंग स्टार्टिंग का बीच हो गया 2 पॉइंट में, फिर उसको रनिंग स्टार्टिंग को निकालने के लिए तो कॉमन के साथ ये मारा और ये साथ ये मारा, तो जिसका ज़्यादा आया वो हो गया स्टार्टिंग कॉइल। तो ये दोनों का पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज़्यादा आया तो ये स्टार्टिंग हो गया और ये रनिंग हो गया और ये कॉमन हो गया। चलो हमें उसको मल्टीमीटर का थ्रू मैं आपको समझाता है और आपको समझ जाएगा, आई थिंक आप बहुत तरह समझ जाएंगे अच्छा तरह। मैं अभी मल्टीमीटर निकालता हूँ, अभी ये सेट आ जाए। अभी ये देखिए, मेरे पास मल्टीमीटर है, मेरे पास मल्टीमीटर है, मैं ऑन कर दिया, मैंने इसको रजिस्टर में डाल दिया। अभी इधर रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, देख लीजिए। अभी ये मेरे पास 3 टर्मिनल है, जैसा देखिए अभी हम चेक करके आपके सामने बताता है कैसा क्या करना है। ये देखिए, 2 पॉइंट को लिया है, ये 2 पॉइंट को इधर ये किया है मैंने, चेक किया है, और 2 पॉइंट का अभी 41.7 आया हमारा इसका। चलो हम अभी इधर दिखाते हैं आपको डायग्राम से। ये देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये दोनों का 41.7 आ गया है। अभी हम दूसरा पॉइंट किया, अभी ये चेक करते हैं, ये दूसरा पॉइंट से, ये देखिए ये 39.6 आ गया है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 39.6 हो गया है। अभी हम उसके साथ इसको और उसके साथ इसको चेक किए हैं तो हमारा आ रहा है 10.4। इधर देख लीजिए तो हमारा ये आ गया है 10.4, और सब ओम्स में है, ये सब ओम्स में है, ये सब ओम्स में है। तो हमारा क्या हो गया, सबसे ज़्यादा पॉइंट आ गया ये, तो ये बोले तो ये और ये और ये, तो ये पॉइंट हमारा हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया रनिंग और ये हो गया कॉमन। देखिए जैसा हमने डायग्राम सीखा, ये ज़्यादा पॉइंट, सबसे ज़्यादा पॉइंट ये आया, तो ये रनिंग स्टार्टिंग का पॉइंट एक है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग होता है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, वो कॉमन पॉइंट निकल गया। अभी इसके साथ इसका हमारा सेकेंड हाईएस्ट आया, तो इसके साथ ये सबसे ज़्यादा आया ये पॉइंट से ये पॉइंट, और ये पॉइंट से ये पॉइंट सेकेंड हाईएस्ट आया। तो उसका मतलब क्या है, जो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग से रनिंग और सबसे ज़्यादा हाई आता है, तो ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, उसके बाद सेकेंड स्टार्टिंग से कॉमन से थोड़ा कम आता है, तो ये थोड़ा कम आया उसका। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग हो गया, ये हो गया रनिंग हो गया और ये कॉमन हो गया। देखिए आपको पूरा समझ जाएगा, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग, ये कॉमन, देख लीजिए आप बराबर समझ जाएगा देखने के बाद। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए, हम आपको बताते हैं। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।